अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों को लेटिमर डायग्राम का बताऊंगा कि किस तरीके से इसके अंदर सेल पोटेंशियल मालूम करते हैं। ठीक है, तो ये पहली वीडियो है। इसके बाद इसमें दो चीज़ें मालूम कर सकते हैं, तो सेल पोटेंशियल मालूम करते हैं, अपना पोटेंशियल मालूम करते हैं, या फिर जो है इसके अंदर डिसप्रोपोर्शनेशन मालूम करते हैं कि ये जो है वो एलिमेंट अगर दो ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है तो इसका मतलब ये डिसप्रोपोर्शनेशन देगा या नहीं देगा। ठीक है, तो अब जो है मेरे पास लेटिमर डायग्राम का मतलब एक वो दिया हुआ है कि कॉपर प्लस टू से जा रहा है कॉपर प्लस में, तो इसके बीच में पोटेंशियल है 0.34। उसके बाद कॉपर प्लस से जा रहा है कॉपर ज़ीरो में, जिसका पोटेंशियल है प्लस का 0.25। ठीक है, अब इसका पोटेंशियल मालूम करना है टोटल। कॉपर प्लस टू से कॉपर ज़ीरो में जाएगा तो कितना पोटेंशियल आएगा, तो इसके लिए एक फार्मूला है, पोटेंशियल इज इक्वल टू एन वन ई रिडक्शन नॉट, मतलब ये वाला पोटेंशियल। ठीक है, जो लिखा हुआ। उसके बाद हुआ प्लस का एन टू और ई टू रिडक्शन नॉट, मतलब ये वाला पोटेंशियल जो दूसरा पोटेंशियल आएगा। ठीक है, अच्छा, एन वन और एन टू जो है वो हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं इन दोनों के बीच में, डिवाइड बाय एन वन एन टू। ठीक है, अच्छा, अब इसको मालूम करने का तरीका क्या है, ई लिखा, ठीक है, ई मतलब पोटेंशियल लिखा, एन वन कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, दो से एक में जा रहा है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिख दिया जो वहाँ पर लिखा हुआ है 0.34। ठीक है, प्लस का, उसके बाद क्या करा, एन टू वन है, सही है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर ज़ीरो है, एक कमी हो रही है। उसके बाद क्या आ रहा है, 0.25, ठीक है, जो दूसरा पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है, डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इधर हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इधर हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र टोटल हो गए, तो इसका ई रिडक्शन जो निकल रहा है, इसका जो ई पोटेंशियल निकल रहा है वो निकल रहा है 0.295 वोल्टेज। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर पोटेंशियल निकालते हैं। अगर मेरे पास एक चीज़ और होती, मतलब क्रोमियम होता, क्रोमियम जाता प्लस थ्री से, प्लस थ्री के बाद जो है वो प्लस टू पे जाता, फिर उसके बाद प्लस वन पर जाता, उसके बाद ज़ीरो पर जाता, तो थ्री से लेकर ज़ीरो तक में जाता, तो अब हम लोगों को इसका पोटेंशियल निकालना पड़ता है। इसका पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसका पोटेंशियल निकालने के लिए हम एक चीज़ और करते हैं कि यहाँ पर जो है वो प्लस का एन थ्री और ई रिडक्शन, ई नॉट रिडक्शन, डिवाइड बाय यहाँ पर जो है वो एक और प्लस कर देते हैं, जैसे एन वन और एन टू प्लस हुआ हुआ है, प्लस का एन थ्री भी कर देते हैं, बस इतनी सी है। रिडक्शन में बस खाली, पोटेंशियल में बस खाली ये मालूम करना होता है। जो इसके बाद दूसरा है, मतलब जिसके अंदर रिडक्शन मालूम करना, जिसके अंदर जो है वो डिसप्रोपोर्शनेशन मालूम करना है, वो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन वो भी मैं आसान करके आपको समझा दूँगा इंशाल्लाह। तो